हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा पर्स। और देखिए, ब्लाउज पीस बचा हुआ था और इसमें से ही मैंने दो पीस और मतलब दो पर्स और शेयर किए हुए हैं, एक बड़े साइज़ का। तो ये मैंने पूरे ब्लाउज पीस में से तीन पर्स बनाए हैं, ये तीसरा है। तो मैं एक ही बनाना बताऊँगी इसमें, और दो की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है अपने इसी चैनल पर। अब देखिए, सबसे पहले मैंने नाप वगैरह तो आपको बता ही दिया, आपको आपने देख ही लिया होगा। अब देखिए, इसमें यहाँ पे हम चैन को अटैच कर देंगे। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं इसको बताने वाली हूँ, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस पर सिलाई नहीं आती है ना, वो भी इसको बना लेगा। केवल मैंने ब्लाउज पीस के साथ में प्लास्टिक पोरी को अटैच कर दिया, और ऊपर से देखिए जिप को अटैच कर दिया, और फिर एक और सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर दिया। अब देखिए, दूसरी साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे भी हम इसको सिलाई को लगा देंगे, जिप को अटैच कर देंगे। बैक साइड में इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, जिप को सेट करते हुए हमने इस तरीके से सिलाई इसमें लगा दी है। अब चलिए, अब हम इसमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर रनर डाल देंगे। अगर आपको रनर का वीडियो चाहिए तो रनर का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है डालने का। अब देखिए, रनर डाल दिया हमने। अब मैंने एक डोरी ली है, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लंबी लेना चाहो उतनी लंबी ले सकते हो। अगर आप नाप पूछो तो 40 या 45 इंच आप ले सकते हो। अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो 40 इंच ले लेना, अगर आप अपने हिसाब से बना रहे हो तो आप 45 इंच ले लेना। तो चलिए, हमने इस तरीके से यहाँ पर डोरी को ऊपर की साइड में अटैच कर दिया। एक इंच नीचे से इस तरीके से हमने जिप को रखा सेट करते हुए, और यहाँ से हम देखिए अंदर की साइड से मैंने डोरी को सेट करते हुए रखा है, और सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से डोरी को मैं दूसरी साइड निकाल लूँगी, और पाइपिंग को साथ में रखते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ अच्छी तरीके से। और पाइपिंग अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो रहने दे सकते हो। लेकिन पाइपिंग से फिनिशिंग रहती है बहुत ही प्यारी से, अच्छा लुक आता है अंदर से, और धागे वगैरह नहीं आते हैं, चैन खराब होने का झंझट नहीं रहता है इतना। क्योंकि जो धागे वगैरह निकले होते हैं वो चैन में आते हैं, तो चैन भी जल्दी खराब हो जाती है, और अंदर से फिनिशिंग भी अच्छी लगती है। फिर आप देखिए, फोल्ड करके हम दूसरी साइड से भी पाइपिंग को लगा देंगे इस तरीके से। तो अब चलिए, दूसरी साइड से भी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब डोरी को हम दूसरी साइड से पकड़ेंगे, दूसरी साइड से भी आपको बराबर से पकड़ना है। जिधर से हमने उधर से फोल्ड किया जितना, उतना ही आपको इधर से भी फोल्ड करना है, और यहाँ से आपको पकड़ते हुए पाइपिंग साथ में रखते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी। ये हमारा प्यारा सा पर्स बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए, इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा लुक आता है इस तरीके के, बहुत ही देखिए, केवल 5 मिनट में आप इसे बना के रेडी कर सकते हो। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और देखिए, बड़े साइज का मैंने इसमें बनाया है, और इसमें थोड़ा बहुत सामान भी आ जाएगा, आपके मोबाइल पैसे सब कुछ आ जाएगा। और गाइज, अगर आप लोग को हमारे आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्लीज सेव करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।